नहीं है ये? जी हाँ, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद बेल। ये आप देख रहे हैं इसका कैसा कलर है, पल्प ब्राउन है इसमें। बहुत टिपिकल स्मेल आ रही है जो आपको डिफरेंट लगे बेल से। ये है इसका पेड़। पेड़ के भी आप देख रहे हैं पत्ते किस टाइप से हैं, कैनोपी इसका किस टाइप से है। जी हाँ, इसमें बहुत सारे जो आप देखेंगे ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई सिट्रस फैमिली का कोई प्लांट हो, उस टाइप का आपको देखने को लग रहा है। पहले तो आप यही स्किन देखिए, स्किन कैसा वुडी है। क्या आपने बेल को ऐसा देखा है? जी नहीं, बेल स्मूथ होता है। सो दिस वुडी टेक्सचर ऑफ फ्रूट स्किन इज डिफरेंट फ्रॉम, और अंदर पल्प इज ऑल्सो ब्राउन इन कलर। उसमें डिफरेंट कलर होता है, ऑरेंज येलो होता है उसमें, एंड दिस इज स्वीटिश बट एसिडिक ऑल्सो विद अ टिपिकल स्मॉल वाइट सीड्स विच आर स्कैटरिंग ऑल थ्रू इट। ये है बेल। जी हाँ, दिस इज बेल। जो आप बेल पत्र हम बात करते हैं, इसकी पूजा भी करते हैं, वो बेल पत्र ये वाला फ्रूट है। आपको ये देखने को दिख रहा है कि आपको कितना डिफरेंस है बेल में, और उसमें शेप का भी डिफरेंस है और बहुत सारा इसमें डिफरेंस है। बेल की जो है वो कई वैरायटीज आती हैं, और बेल को आमतौर पे हम एजिल मार्मलस के नाम से कहते हैं। इसका आप देख रहे हैं कि स्किन कितना डिफरेंट है, येलोइश कलर है और ये स्मूथ है, बिल्कुल भी वुडी नहीं है। और ये देखिए बेल के अंदर जब आप देखेंगे तो पल्प का भी कलर उसमें ब्राउन था, वुड एप्पल में जो कि काट बेल था। और ये टिपिकल बेल है जिसमें कि आप देखते हैं किसका ऑरेंज या येलोइश पल्प होता है, और वो इसमें टेस्ट का भी डिफरेंस होता है। हालांकि दोनों ही सिट्रस फैमिली रेडी है, बहुत ही बेल न्यूट्रिशियस बेल बंगाल का प्रिंस भी शरबत, कहते हैं, पेट के स्टोन लिए भी एप्पल कहते भी हैं, बेल बोलते बहुत हैं। लाभदायक आप है इसे कच्चा भी एंड इट खा इज सकते यूजफुल हैं फॉर या मैनी इसका अदर शरबत बना लें। बेल शरबत इज सेड टू बी डिजीज गुड फॉर हेल्थ। प्रिवेंशन। यू कैन सी ये हाउ आप देख रहे हैं डिलीशियस कितना इट अच्छा ये लुक्स, बेल का वेरी मच शरबत लाइक तैयार हुआ है, और इसको कहते हैं कि कीड़े को भी मारता है, पेट के लिए अच्छा है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी, यानी अगर बॉडी में कोई बार सूजन होती है। ये आप देखिए अच्छी अच्छी वैरायटीज़ हैं बेल की। आजकल काफ़ी नई वैरायटीज़ आ गई हैं, जैसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर की है, CISH B1 B2। इसके अलावा नरेंद्र बेल 9, ये भी एक बहुत अच्छी वैरायटी है। तो इस टाइप की वैरायटीज़ मार्केट में बहुत अच्छी हैं, जिनमें कि गूदा ज़्यादा होता है और बीज कम होते हैं। तो इस तरह के वैरायटीज़ को जब आप यूज़ करते हैं तो आप घर में भी इससे खुद से शरबत बना सकते हैं। ये देखिए पहले इसको तोड़ लिया गया है, यू हैव टू ब्रेक द दिस नट फर्स्ट। और इसमें आप देख रहे हैं कि ये बीज बहुत ही कम है, बिल्कुल कम बीज हैं, पल्प ज़्यादा है। तो इस टाइप से आप इनको जब ब्रेक करते हैं उसके बाद आप देखेंगे, ये देखिए ये बहुत ही अच्छा स्वीटनेस इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। ये एक वैरायटी आप देख रहे थे, और ये देखिए इस तरीके से हमने इसको स्कूप कर लिया पल्प को। सो व्हेन यू स्कूप पल्प आउट ऑफ द फ्रूट्स यू कैन यूज़ इट टू मेक बेल शरबत। यू कैन सी हाउ नाइसली इट हैज़ बीन सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स। और इसमें सीड्स वैसे भी थे नहीं, जो अच्छी वैरायटीज होती है उनमें ज़्यादा सीड होता नहीं है। तो इसको अब आप मिक्सी में लेकर के आप इसमें शक्कर ऐड कर, ये रेडी है बहुत ही न्यूट्रिशियस बेल का शरबत, पेट के लिए भी कहते हैं, बेल बहुत लाभदायक है एंड इट इज़ यूजफुल फॉर मैनी अदर डिजीज प्रिवेंशंस। यू कैन सी हाउ डिलीशियस इट लुक्स, वेरी मच लाइक अ कैरी शरबत। इस तरीके से घोल को हम मिक्सी में डाल देंगे, थोड़ा आप इसमें शक्कर डाल दें तो अच्छा रहता है, और अगर आप बिना शक्कर के पीना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, और शुगर फ्री डालना चाहे तो डाल सकते हैं। इस तरीके से आप बेल का शरबत बना सकते हैं। इस तरीके से आप ये देखिए हमारा कितना सुंदर बेल का शरबत रेडी है, बहुत ही हेल्दी चीज़ है ये बेल का शरबत।